A very good evening to all of you. This is Devishish Pandey. Once again, welcome you all to Prime Time with Devishish on our channel, jiska naam hai Judiciary World, a one-stop solution to cater all the needs of the judicial aspirant. Aaj hum ek nayi shandar series lekar aaye hain aapke liye, jiska naam hai CPC Combat. Just a second, ek baar check kar liya jaye audio video. मेरा का ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार बता दीजिएगा प्लीज. मेरा का चलिए बढ़िया शानदार. सो लेट्स बिगिन विद अवर सेशन नाउ. ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. यस, ओके. सो आज का जो हमारा सेशन है दैट विल बी ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीपीसी कॉम्बैट. आपको पता है कि हमने आज से ये सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है सीपीसी कॉम्बैट, और जो 6 दिन की एक्सरसाइज है जिसमें डेली जो आपको टास्क है उसके आधार पे हम कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं. सारे लोग आ जाइए, दो तीन बेसिक चीजें आपको समझा दूं. गुड इवनिंग सभी को, दो तीन बेसिक चीजें बता दूं. एक तो सारी चीजें पढ़ के आओ और यहाँ पे .9 बजे आ जाओ, 9 से 10, 10:30 जितना भी टाइम लगता है हमको इस सेशन को कंप्लीट करने में. कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नई चीजें सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा आपका जो कॉन्फिडेंस है सीपीसी में वो डेवलप हो. दैट इज द ऑब्जेक्टिव. अगर आपका प्यार मिला और ये बहुत सक्सेसफुल रही ये सीरीज, तो इसी तरह से हम कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन पे भी ये सीरीज लेके आएंगे जिससे आपका पूरा रिविजन हो जाए. ये हमारा ब्रॉड शेड्यूल है. आज 27th है. आज हम सेक्शन 1 से लेकर 158 तक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. कल ऑर्डर 1 से ऑर्डर 10 है, परसों ऑर्डर 11 से 20, एंड सो फोर्थ. ये शेड्यूल आपका टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया गया है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन इज दिस. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ अ डिक्री. देखिए, आप सबने पढ़ा है कि ऑर्डर डिक्री जजमेंट में क्या फर्क होता है. जो जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट होता है उसको हम डिक्री कहते हैं, जो जजमेंट के साथ कंसाइड करता है, मतलब जजमेंट को फॉलो करता है, और उसके बाद एक डिक्री आती है जिसको आप एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाते हैं. ये सारी बातें आपको पता है. मेरा सवाल आपसे ये है कि एक डिक्री में क्या क्या कंटेंट होते हैं, या जब आप एक डिक्री को देखेंगे तो व्हाट आर द एसेंशियल पॉइंट्स दैट आर मेंशनड इन अ डिक्री. ये क्वेश्चन आपको उसकी बात नहीं कर रहा है कि डिक्री क्या कहलाती है या डिक्री के एसेंशियल्स क्या होते हैं. ये बात कर रहा है व्हाट इज नॉट अ कंटेंट ऑफ अ डिक्री, मतलब जब डिक्री लिखी जाती है तो कंटेंट क्या क्या होता है उसमें. सर आपकी टीपीए के लेक्चर देख रहा हूं सर, बहुत मजा आ रहा है कसम से सर, थैंक यू सो मच. ठीक है, चलिए ग्रेट, थैंक यू. फटाफट से आंसर दीजिए. रिलीफ अमाउंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड इन द सूट, डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ द केस, पर्टिकुलर्स ऑफ द क्लेम, रिलीफ ग्रांटेड टू द पार्टीज. राइट, अ लॉट ऑफ यू आर, मैं जुडिशरी वैकेंसीज की बाद में बात करूंगा संचिता जी, अभी जो हमारा टारगेट है उसको हम करते हैं. सो अ लॉट ऑफ यू आर गिविंग द आंसर द डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ द केस. ये लॉजिकली भी बिल्कुल सही है क्योंकि आप जानते हैं कि जो जजमेंट होता है उसमें ये सारा स्टेटमेंट, क्लेम, क्वेश्चंस, रीजंस, सारा डिटेल्ड एनालिसिस दिया जाता है. लेकिन जब आपको उसको एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम एक डिक्री को लेते हैं. ये लॉजिकल बात भी है क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे, पूरा जजमेंट लेके जाएंगे, जो दो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटीज होगी उनको उससे जो ऑपरेटिव पार्ट है वो निकालने में प्रॉब्लम होगी. यही लॉजिक है कि जजमेंट के बाद एक डिक्री आती है. बट आपके लिए टेक अवे क्या है यहां से कि दीज आर द 7-8 पॉइंट्स जो कि कंटेंट ऑफ द डिक्री में होते हैं. आपको पता है कि डिक्री जजमेंट के बाद आती है, जजमेंट को फॉलो करती है. लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक डिक्री में क्या क्या चीजें होती हैं. तो सबसे पहली चीज होती है डिक्री में सूट का नंबर होता है, द नेम एंड डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द पार्टीज होता है, द पर्टिकुलर ऑफ द पार्टीज क्लेम्स और डिफेंसेज, सारे पार्टीज के क्लेम और डिफेंसेज होते हैं, द रिलीफ और द रेमेडी ग्रांटेड टू द अग्रीव्ड पर्सन, उसको क्या रिलीफ मिला है ये होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, किसके द्वारा कितनी किसको दी जाएगी, ये सारा डिटेल डिक्री में होता है, द जजमेंट्स डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट और द डिलीवरी डेट ऑफ द जजमेंट एंड द जजेस सिग्नेचर ऑन द डिक्री. तो बेसिकली ये 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके डिक्री के कंटेंट होते हैं, और किसी भी डिक्री को अगर आप देखते हो तो उसमें ये सारी चीजें होना जरूरी है. तो आपके लिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन ये भी बना. ये बात तो समझ में आ गई स्टेटमेंट ऑफ
केस की, लेकिन एक और चीज समझ में आ गई कि अगर कभी और कोई एमसीक्यू आता है जो कंटेंट ऑफ द डिक्री की बात करता है तो आपको समझना है कि ये हमारे कंटेंट्स होते हैं डिक्री के। और मान लीजिए कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ डिक्री, तो कंटेंट्स में आप उसके एसेंशियल्स नहीं लिख के आओगे कि राइट हैज बीन एडजुडिकेटेड मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू पार्टीज का, वो सब नहीं लिखना है फॉर्मल एडजुडिकेशन। वो एसेंशियल्स होते हैं कि क्या एक डिक्री कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसेंशियल्स पे ही है, बट कंटेंट ऑफ द डिक्री पर इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कभी कदार ये क्वेश्चन प्री या मेंस में दिख सकता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन, ठीक है। ये देखिए, विद रिस्पेक्ट टू डिक्री, डिटेन्ड नहीं होगा कंटेंड होगा, सॉरी कंटेंड अंडर सीपीसी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रपोजिशंस। बेसिकली आपको ये चूज करना है विद रेफरेंस टू डिक्री कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट गलत है। पहला है, इन ऑर्डर दैट अ डिसीजन ऑफ अ कोर्ट मे बी अ डिक्री, इट मस्ट हैव बीन डिटरमाइंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज इंटर से। द एक्सप्रेशन राइट्स मीन्स सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल राइट्स। तीसरा, राइट्स ऑफ द पार्टीज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 इंक्लूड लिमिटेशन, ज्यूरिसडिक्शन, अकाउंट्स एक्सेट्रा। ज्यूरिसडिक्शन अकाउंट्स मतलब ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड बातें। अब आपको बताना है इसमें से कौन से सही है या नहीं। पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए परेशान मत हो। देखो सीपीसी की मेरी जो डिटेल्ड क्लासेस है वो अभी सिर्फ प्लस पे है, वो यहाँ पे नहीं है। प्लस पे मैंने करीब करीब 75 लेक्चर्स लिए हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के, तो वो सिर्फ पेड सब्सक्राइबर्स के लिए है। ये एक्सरसाइज आपके लिए है, काफी कुछ इसमें मैं समझाऊंगा अगर आप ध्यान देते हैं तो। अगर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहता है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होंगी। फटाफट बताइए, बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ऑल करेक्ट, कुछ लोग कह रहे हैं थर्ड इज इनकरेक्ट। क्या लिमिटेशन, ज्यूरिसडिक्शन ये सब बार नहीं होता है? नहीं, प्रॉब्लम है यहां पे, आप लोग को सीखना पड़ेगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो सेकंड पार्ट है वो गलत है। यहां पे इसने सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लिखा हुआ है। आपको ये समझना है कि जब आप द करेक्ट आंसर हेयर इज सी, जब आप डिक्री के बारे में पढ़ते हैं, देखिए जब डिक्री के बारे में आप पढ़ते हैं तो डिक्री के पांच एसेंशियल्स होते हैं। पहला होता है देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब मैंने आपको कई बार समझाया है कि यहां जुडिशियल माइंड का एप्लीकेशन होना चाहिए, जुडिशियल को, जुडिशियरी को प्रिंसिपल्स लगा के कोई डिसीजन देना चाहिए। सच एडजुडिकेशन मस्ट बी इन अ सूट, इंपॉर्टेंट है कि डिक्री के लिए वो एक सूट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है राइट्स ऑफ द पार्टीज इन द कंट्रोवर्सी। अब जब राइट्स की बात आती है तो राइट सब्सटैंटिव लीगल राइट्स हो सकते हैं और प्रोसीजरल राइट्स हो सकते हैं। यहां पे आपको समझना है कि सब्सटैंटिव लीगल राइट्स को डिसाइड करने वाली चीज ही आपकी डिक्री कहलाती है। सब्सटैंटिव लीगल राइट के साथ अगर कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट जुड़ा है तो उसके आधार पर दिया गया एडजुडिकेशन डिक्री कहलाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल चीजों पे अगर कोई एडजुडिकेशन हुआ है तो वो डिक्री नहीं कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल राइट अगर पार्टीज के डिसाइड हो रहे हैं तो दैट एडजुडिकेशन विल नॉट बी कॉल्ड अ डिक्री। इसको अपनी कॉपी में लिख लो, यहां पे लिखा हुआ है एग्जांपल के लिए, डिसमिसिंग अ सूट व्हेन द समन्स वर नॉट सर्वड इज नॉट अ डिक्री। डिसमिसिंग द सूट व्हेन द समन्स वर नॉट सर्वड, ये सिर्फ एक प्रोसीजरल राइट है पार्टी का। अगर प्योरली प्रोसीजरल राइट एडजुडिकेट हो रहा है कोर्ट के द्वारा तो दैट इज नॉट अ डिक्री। सब्सटैंटिव लीगल राइट है, उसके साथ प्रोसीजरल राइट जुड़ा हुआ है, वो एक अलग बात है। लेकिन प्योरली प्रोसीजरल राइट अगर कोर्ट एडजुडिकेट कर रहा है दैट विल नॉट बी कॉल्ड अ डिक्री। राइट, किसी को समझ में आया? किसी को समझ में आया? द राइट्स ऑफ द पार्टीज मस्ट बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, द राइट्स डिटरमाइंड अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस आर सब्सटैंशियल राइट्स एंड नॉट प्रोसीजरल राइट द पार्टीज टू द, ये तो बाकी चीजें हैं, ठीक है। एक बार और देख लो इसको, क्वेश्चन को। अब देखिए आपके स्पेसिफिक अलग क्वेश्चंस जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, सबके आंसर अभी देने लगेंगे अलग क्वेश्चंस के, तो हमारा ये प्रोसीजर नहीं पूरा हो पाएगा। तो पहले इसको समझते हैं। तो दो चीजें अपन ने अभी तक समझी, मेरे ध्यान से सुनना। देखो डिग्री की आप डेफिनेशन पढ़ लेते हो, क्या डिग्री में आता है क्या नहीं आता है वो बहुत बेसिक होता है, दुनिया के हर बच्चे को पता है जिसने लॉ कभी भी पढ़ा है। मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कि आप लोग बेयर एक्ट पढ़ के आए हो, लेकिन उस इंफॉर्मेशन में आपने क्या ऐड करना है ये मैं आपको बताने आया हूं। तो आइडिया ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन हमने कंटेंट ऑफ द डिग्री समझ लिया कि डिग्री में क्या क्या चीजें होती है। दूसरी चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा था कि जो लिमिटेशन और
ज्यूरिसडिक्शन के कंसेप्ट होते हैं ये आपके सब्सटैंटिव प्लस प्रोसीजरल होते हैं, ये सब्सटैंटिव प्लस प्रोसीजरल होते हैं, इसलिए इनका जो एडजुडिकेशन होता है उसको हम डिक्री कहते हैं। लेकिन अगर एक प्योरली प्रोसीजरल राइट है तो उसके आधार पर कोर्ट का कोई भी एडजुडिकेशन आएगा तो वो डिक्री नहीं कहलाएगा। दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन प्रॉफिट कैन बी क्लेम्ड रिगार्डिंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मीन प्रॉफिट किसके कंटेक्स्ट में मांगा जा सकता है? बताइए, बहुत सिंपल है, मीन प्रॉफिट सभी को पता है। क्या क्या बी क्यों लिख रहे हो भाई? मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली मीन प्रॉफिट? नो, नॉट एट ऑल। मीन प्रॉफिट, आज के बाद जीवन में हमेशा याद रखना कि मीन प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे याद लगता है, इसमें कोई दो राय या किसी भी तरह की एम्बिग्विटी या कोई भी लॉजिकल उसमें है नहीं। एक सीधी लाइन की बात है कि मीन प्रॉफिट का प्रिंसिपल हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है। मीन प्रॉफिट क्या है, मीन प्रॉफिट क्या है, देखो यहां पर डेफिनेशन लिखी हुई है, हाँ लिखी हुई है, चलो खैर इसमें डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। मीन प्रॉफिट का सिंपल मतलब है अगर कोई इंसान किसी प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल पोजेशन में है तो जब आप उससे उस रॉन्गफुल पोजेशन की रिकवरी कराते हैं तो जितने टाइम वो इंसान उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इलीगली था उतने ड्यूरेशन में उसने उस प्रॉपर्टी पे जो बेनिफिट रीप आउट किया है उस पर भी आपका अधिकार है, दैट इज नोन एज मीन प्रॉफिट। एग्जाम्पल से समझे, मेरी एक प्रॉपर्टी थी उस पर किसी एक इंसान ने इलीगली अपना पोजेशन बना रखा था, अब वो 10 साल से वहां पे रह रहा था, 10 साल से उसने वहां पे कोई बिजनेस चला रहा था या वहां पे उसने कंस्ट्रक्शन करके किसी को किराए पे रखा हुआ था, तो 10 साल बाद जब मैं कोर्ट में रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट डालूंगा तो कोर्ट मुझे मेरी प्रॉपर्टी तो वापस करेगी, दैट इज वन फेसेट, बट 10 साल तक जो उसने बेनिफिट उस प्रॉपर्टी पे अक्रू किया है, जो बेनिफिट जो पैसा उसने उस प्रॉपर्टी पे कमाया है वो भी मांगने का जो अधिकार है, दैट इज नोन एज मीन प्रॉफिट। ये एक केस था दिल्ली हाई कोर्ट का, प्यारी लाल एलियास प्यारे लाल वर्सेस जय रानी एंड अदर्स, इन्होंने इंटरप्रेट किया था कि मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है। ये एक लैंडमार्क केस है जो आपको मीन प्रॉफिट में पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिखा है। इन्होंने भी यही बताया था, व्हेन अ पार्टी क्लेम्स डैमेजेस टू रिकवर द लॉस रिजल्टेड फ्रॉम द wrongful possession, from the wrongful possession, occupation of immovable property by a trespasser that originally belonged to the party, then such damage will be known as mean profit. चलिए ये बात भी आपको पता है, लेकिन एक और बात याद रखना mean profit के बारे में हमेशा, that the real test of mean profit is not what the plaintiff has lost by being out of possession, but what the defendant gained or would have been reasonably gained by such possession. मेरी बात ध्यान से सुनना, मीन प्रॉफिट आप समझ गए क्या होता है, अगर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है तो भी आप समझ गए कि सर मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन मीन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये था कि सर मीन प्रॉफिट होता क्या है, तो मैंने आपको बताया अगर कोई इंसान किसी भी प्रॉपर्टी के इलीगल पोजीशन में है या अनऑथराइज पोजीशन में है, उसने जो भी बेनिफिट रीप आउट किया है उस प्रॉपर्टी के पोजीशन में होने से, तो जो एक्चुअल ओनर था जब वो उसका रिकवरी मांगेगा तो उससे वो बेनिफिट भी मांगेगा जो उसने इतने साल में कमाया है, दैट इज मीन प्रॉफिट। अब सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा आता है वो ये है कि सर मीन प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो हमेशा याद रखना कि मीन प्रॉफिट का टेस्ट क्या होता है, तो मीन प्रॉफिट का टेस्ट है व्हाट द प्लेंटिफ इज नॉट व्हाट द प्लेंटिफ हैज लॉस्ट बट व्हाट डिफेंडेंट हैड अर्न। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, मेरी एक लैंड थी, कोई इंसान उसके इलीगल पोजेशन में था, अब जब मैं कोर्ट से मीन प्रॉफिट मांगूंगा तो मुझे मीन प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि मैं उस प्रॉपर्टी पे कितना पैसा कमा सकता था, मीन प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो इस बात पे निर्भर करेगी कि जो इंसान रॉन्गफुल पोजीशन में था उसने कितना पैसा कमाया या कितना रीजनेबली कमा सकता था। फॉर एग्जाम्पल जो इंसान मेरी प्रॉपर्टी पे इलीगल पोजीशन में था उसने एक दो फ्लोर बना हुआ था तो उसने नीचे का फ्लोर जो था वो किसी को किराए पे दे दिया, 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीने का किराया उठा रहा था और खुद भी उस प्रॉपर्टी पे रह रहा था, तो मैं एक बार रीजनेबली कैलकुलेट करके कोर्ट को यह बोल सकता हूं कि इसने 7,000-8,000-10,000 किराएदार से लिया
और ये खुद इस प्रॉपर्टी में रह रहा था, इसी लोकैलिटी में अगर वो कहीं और रहता तो उसको 5-7 हजार रुपए अपना भी किराया देना पड़ता। तो कैटेगोरिकली 10-15 हजार के बीच में मैं कोर्ट से मांग सकता हूं। तो ये टेस्ट है मीन प्रॉफिट का। मैं अगर कहने लग जाऊं कोर्ट से कि अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी होती तो मैं यहां पे 15 स्टोरी की एक बिल्डिंग बना देता और यहां पे एक बिजनेस हब क्रिएट कर देता और मेरा महीने का 1 करोड़ का प्रॉफिट होता, तो उसके आधार पे मीन प्रॉफिट नहीं डिसाइड होगा। यानी कि जो प्लेंटिफ है, जो अग्रीव्ड है, वो ये नहीं कह सकता कि अगर मेरे पास प्रॉपर्टी होती तो मैं 1 करोड़ रुपए महीने का कमा सकता, तो इस आधार पे मेरा मीन प्रॉफिट कंप्यूट करिए। मीन प्रॉफिट का टेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है मीन प्रॉफिट, इसके लिए आपको जानना है। जो रॉन्गफुल पोजिशन में इंसान था उसने जितना कमाया या जितना वो रीजनेबली कमा सकता था उतना मीन प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। समझ में आई किसी को बात? देखो थोड़ा सा हाई एंड हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जो लोग पहली बार सीपीसी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं कोशिश करूंगा जीरो से ऊपर तक समझाने की, लेकिन अगर आपने पहले कभी सीपीसी पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, तो आपके लिए ये एक्सरसाइज ज्यादा हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो शायद आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा मेरी सारी बातों को कॉम्प्रिहेंड करना। ठीक है, चलो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक ऑफिसर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ द सीपीसी। पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन में कौन? मैंने कहां बी लिख रखा है? सॉरी माय बैड, ये मेरी गलती है। यहां पे मैंने बी लिख रखा था इसलिए आप लोग बोल रहे थे। आई एम रियली सॉरी, ये सी होना चाहिए, ये टाइपो एरर है। तो जिनको भी मैंने बोला उनका आंसर गलत है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, इट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टूड। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक ऑफिसर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन 2 क्लॉज 17 में दी हुई है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जजेस होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, इन सबको माना जाता है। यहां पे सरपंच को जो है वो नहीं माना जाता है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ये थोड़ा एमसीक्यू में क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज में है, जो भी गैजेटेड नोटिफिकेशन आए हैं वो सब होते हैं, बट ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। ये क्या पूछ रहे हैं? स्वीपिंग चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय सीपीसी अमेंडमेंट ऑफ 2002 इज विद द ऑब्जेक्ट टू। 2002 का सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सीपीसी में। ठीक है, सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जब आप केस पढ़ते हो, तो ये जो अमेंडमेंट लाया गया इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या था, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, बेसिकली कट शॉर्ट द डिले इन द डिस्पोजल ऑफ केसेस। आपको पता होगा सर गैजेटेड ऑफिसर कौन होता है संजीव जी? चलो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। सिंपल बात है कि अगर कोई भी ऑफिसर होता है जिसको गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा भारत सरकार नोटिफाई करती है कि ये हमारे अंडर काम करने वाला एक ऐसा इंसान है जिसकी क्या नाम है, जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसके द्वारा लिखी गई चीज, या आप कह सकते हो कि जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे जब आप लोग जुडिशियल ऑफिसर बनोगे तो आपका भी नाम एक गैजेट नोटिफिकेशन से आएगा। गैजेट नोटिफिकेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपको सर्टिफाई कर रहा है कि आप इस अथॉरिटी में। ठीक है, जैसे आप लोग जाते हो ना कि सर गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है, तो गैजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने की एक एस्पेक्ट है, गैजेटेड ऑफिसर वही होता है जिनका नाम गैजेट में आया होता है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको अथॉरिटी दे रही है कि दे आर समबडी हु द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेस टू बी ऑफ सम क्रेडेंशियल वैल्यूज। अलग अलग तरीके से उसका एस्पेक्ट होता है। ठीक है, यहां पर कट शॉर्ट द डिले इन डिस्पोजल ऑफ सूट्स। आपको पता है समन्स, रिटन स्टेटमेंट, एडजॉर्नमेंट्स, कॉस्ट, बहुत सारी चीजों में चेंजेस लाया गया बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्शंस अंडर सेक्शन 9 सीपीसी द कोर्ट इज टू प्राइमरली सी द अवर्मेंट्स मेड इन प्लेंट ओनली, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट ओनली, प्लेंट रिटन स्टेटमेंट एंड रेप्लिकेशन, अवर्मेंट्स मेड इन द एप्लीकेशन फॉर द रिटर्न ऑफ प्लेंट। सेक्शन 9 बात करता है सिविल नेचर की, कि सूट ऑफ सिविल नेचर की बात करता है। और एक और कंसेप्ट है जो सेक्शन 9
अपने अंदर समाता है, इस बात को जरा सुनना। अगर आप सेक्शन 9 की डेफिनेशन को देखते हो या सेक्शन 9 की आप परिभाषा को एक बार पढ़ते हो, तो द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर एक्सेप्ट द सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदरली एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड। बेसिकली ये एक ऐसा प्रोविजन है जो कोर्ट्स को अनलिमिटेड पावर देता है। ये सेक्शन 9 ये समझाना चाहता है कि कोर्ट के पास हर एक सूट को ट्राई करने की पावर है, एक्सेप्ट जहां पे कोर्ट की पावर एक्सप्रेसली बार्ड है। अगर आप सेक्शन 9 को समझने की कोशिश करें तो सेक्शन 9 आपका एक अनलिमिटेड पावर ड्रॉ करता है कोर्ट्स की, कि हर एक सूट को ट्राई करने की सिविल नेचर के, ऑब्वियसली क्रिमिनल की बात नहीं होगी, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग होती है, बट हर एक सिविल नेचर के सूट को ट्राई करने की जो पावर है वो सिविल कोर्ट के पास है, एक्सेप्ट द केसेस विच आर एक्सप्रेसली और इंप्लाइडली बार्ड। तो ये एक अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट का कंसेप्ट होता है कि अगर कोई भी सूट कहीं पे भी फाइल नहीं हो रहा है तो आप सीपीसी में सेक्शन 9 में कर सकते हो अगर वो सिविल नेचर का है। पहले आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि देश में कोई भी सिविल नेचर का सूट अगर हो रहा है तो सिविल कोर्ट्स के पास ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन अगर किसी एक्ट ने किसी भी इंप्लाइड या एक्सप्रेस प्रोविजन के द्वारा सिविल कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन को हटाया गया है तो सिर्फ वो केसेस आपके सिविल कोर्ट के पास नहीं जाएंगे। ये सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 की अपनी एक अलग कहानी है। खैर, यहां पे बात आती है, द करेक्ट आंसर इज प्लेंट ओनली। सिर्फ और सिर्फ प्लेंट पे जो एवरमेंट किए गए हैं, एक केस था श्री हरि हनुमान दास तोटाला वर्सेस हेमंत विठल कामत। ये केस इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9 के लिए, आपसे पूछा भी जाता है। उसमें यही बताया गया था कि सर एवरमेंट्स, देखो बेसिकली क्या होता है, ये स्टेजेस होती है। जब आप सीपीसी पढ़ना शुरू करोगे तो आप समझोगे कि जब प्लेंट, जैसे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की बात भी करो, तब भी प्लेंट पे दिए गए जो एवरमेंट्स हैं ऑन द फेस ऑफ इट सिर्फ वही देखे जाते हैं। यहां पे डिफेंडेंट का जनरली लोकस नहीं होता है, बाद में वो डिस्प्यूट कर सकता है, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। वहां पे आपका सूट डिसमिस कर दिया जाएगा, वो एक अलग प्रोसीजर है। बट ये जितनी भी चीजें होती हैं वो सिंपल प्लेंट में लिखी गई बातों के आधार पे डिसाइड की जाती हैं। ठीक है सर, बेयर एक्ट सफिशियंट होती है क्या? मेंस, अब मेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये केस आप याद रखिएगा, यहां पे लिखा है इट इज एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट इन एक्सरसाइजिंग पावर अंडर सेक्शन 9 द कोर्ट हैज टू टेक इन टू कंसिडरेशन ओनली द एवरमेंट्स मेड इन द प्लेंट एंड द डिफेंडेंट्स केस कैनॉट बी टेकन इन टू कंसिडरेशन एट दिस स्टेज, फर्दर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द मैटर एलिगेशंस कैन बी टेकन एट अ लेटर स्टेज, और बाद में अगर कुछ दिक्कत आई तो आपका सूट डिसमिस कर दिया जाएगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली द प्लेंट विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, ओनली द प्लेंट विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द केस ऑफ रेस सब जुडिस अंडर सेक्शन 10 द कोर्ट कैन, रेस सब जुडिस के केस में कोर्ट क्या क्या कर सकती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए। सर व्हाट इज एवरमेंट? एवरमेंट का मतलब जो भी चीजें प्लेंट में एसर्ट करी गई हैं, ठीक है, उनको एवरमेंट्स बोलते हैं। प्लेंट में लिखी गई बातों के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है जिसको एवरमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, बस इतना है। मेरे से बहुत ज्यादा ठीक है निकलता है, मुझे इसको कंट्रोल करना है थोड़ा सा। चलो, इन केस ऑफ रेस सब जुडिस अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी द कोर्ट कैन पास इंटरिम ऑर्डर्स, ग्रांट ऑफ इंजंक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ऑल द अबव। देखो, आपको समझना है कि रेस सब जुडिस में जो कोर्ट होती है वो इनकॉम्पिटेंट नहीं हो जाती है। अगर आपको थोड़ा सा बेयर एक्ट आपके हाथ में होगा तो आप एक बार देखिएगा सेक्शन 10 में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। यहां पे एक तरह का ये स्टे ऑफ सूट है और यहां कोर्ट इनकॉम्पिटेंट नहीं होती है, कोर्ट सिर्फ ट्रायल जो होता है वो स्टे हो जाता है। वहीं कॉन्ट्ररी में अगर आप सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा को पढ़ते हो तो उसकी पहली लाइन क्या लिखी है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट विच द मैटर हैज बीन डायरेक्टली एंड, मतलब बेसिकली यहां पे कोर्ट इनकॉम्पिटेंट है कुछ भी करने के लिए। वहां पे उनका ट्रायल जो है वो सिर्फ स्टे किया गया है, ट्रायल बार्ड नहीं है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, रेस जुडिकाटा में ट्रायल बार्ड है, रेस सब जुडिस में ट्रायल स्टेड है।
तो जब ट्रायल स्टेड है तो इसका मतलब कोर्ट इनकॉम्पिटेंट नहीं हो जाती है, और कोर्ट कुछ ना कुछ बेसिक इंटरिम मेजर्स जरूर दे सकती है, और उन इंटरिम मेजर्स में से ही ये तीनों हैं, पासिंग इंटरिम ऑर्डर्स, ग्रांट ऑफ इंजंक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। इसका लैंडमार्क केस है इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन। इसमें यह बात बहुत ही डिटेल में समझाई गई थी, और ये आपके एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। मैंने हर क्वेश्चन में लगभग जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनको लाने की कोशिश करी है। आप इन केसेस को भी लिख लीजिएगा, बाद में अगर आप कहते हो कि सर केस लॉ पूछे गए सीपीसी में, पता नहीं कहां से पूछे गए, तो वो जो पता नहीं है वो यहीं से आते हैं, बट आप लोग लिस्ट नहीं बनाते हो। कभी भी किसी भी एजुकेटर का वीडियो देखते हो, कोई भी केस लॉ की सीरीज अटेंड करते हो, अपनी कॉपी के पीछे एक लिस्ट बना लो जिसमें हर सब्जेक्ट के केसेस हो, और जहां जहां जो केस मिले उसको ऐड करते जाओ। 6 महीने 1 साल की पढ़ाई के बाद आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि सारे केसेस जो किसी भी एमसीक्यू के पेपर में आने वाले हैं वो आपने कवर कर लिए होंगे, और ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 10 डज नॉट बार द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग अप विद दिस सीरीज, डू कम अप विद समथिंग सिमिलर। ठीक है, कोई नहीं, एज सच टाइम पीरियड नहीं है, बाकी लिमिटेशन एक्ट अपने हिसाब से वर्क करता है। ठीक है, अब मैं ठीक है नहीं बोलूंगा, ठीक है, इस पूरी क्लास में। सेक्शन 10 डज नॉट बार द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, बट इट बार्स द ट्रायल ऑफ द सूट। सिंस द रूल अप्लाइज टू द ट्रायल ऑफ द सूट एंड नॉट टू द इंस्टीट्यूशन, इट डज नॉट प्रिक्लूड्स द कोर्ट फ्रॉम पासिंग इंटरिम ऑर्डर्स सच एज ग्रांट ऑफ इंजंक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेस जुडिकाटा डज नॉट, ठीक है, थैंक यू, बताइए, रेस जुडिकाटा डज नॉट ऑपरेट्स बिटवीन को डिफेंडेंट्स, को प्लेंटिफ्स अगेंस्ट प्रोफार्मा डिफेंडेंट्स, नन ऑफ द अबव। प्रोफार्मा डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट रेस जुडिकाटा नहीं लगता है। एक बात ध्यान रखना फिलहाल के लिए, देखो ये थोड़ा सा इंट्रिंसिक कंसेप्ट है जिसको हम क्लास में ही डिटेल में समझ सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आप ये समझो कि को प्लेंटिफ्स ऑफ और को डिफेंडेंट्स के बीच में रेस जुडिकाटा लग सकता है, ये लॉ है, लेकिन प्रोफार्मा डिफेंडेंट के अगेंस्ट रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। प्रोफार्मा डिफेंडेंट, ये इसका लैंडमार्क केस आप घर जाके पढ़ना चाहते हो तो गीता राम कलसी वर्सेस एस पृथ्वी सिंह एंड अदर्स, ये पीपीटी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप देवशीष पांडे जुडिशरी एंड अकेडमी में भेज दूंगा, आप वहां से भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहां पे सिर्फ क्लास पे ध्यान दे सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप से पीपीटी से लिख लीजिएगा, अगर आपको साथ में लिखना है तो आप साथ में भी कर सकते हैं। इस केस में ये कहा गया था, वेयर अ पर्सन इज मेयरली अ प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट इन अ प्रीवियस सूट एंड नो रिलीफ इज सॉट अगेंस्ट हिम देयर, ही इज नॉट प्रिक्लूडेड फ्रॉम रेजिंग द सेम क्वेश्चन इन अ सब्सिक्वेंट सूट एंड द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इन एनी शेप और फॉर्म डज नॉट अप्लाइज। प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट क्या होता है? अ प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट इज अ डिफेंडेंट नेम्ड एज अ मैटर ऑफ फॉर्मैलिटी, उसके अगेंस्ट कोई भी राइट नहीं मांगा जाता है, वो टिपिकली हैज नो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हार्म अलेज्ड बट शेयर्स एन इंटरेस्ट विद अदर डिफेंडेंट सच एज बीइंग द को ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी और सक्सेसर इन इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदर एन इश्यू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट of limited jurisdiction shall operate as res judicata in a subsequent suit, notwithstanding the aforesaid court was not competent to try such subsequent suit. अब पहले तो इस क्वेश्चन को ही समझना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 11, बेटा ये सब क्लास की चीजें हैं, आप ये समझिए कि आपके जो सवाल हैं वो एक डिटेल्ड कोर्स का हिस्सा है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं लेके आया हूं, अगर मैं इंडिविजुअली सबके क्वेश्चंस को आंसर करने लगूंगा तो ये एक्सरसाइज तो नहीं हो पाएगी, राइट, तो मेरी भी लिमिटेशन है। सब लोग कह रहे हैं यस, ओके, अब मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ठीक है, जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगी। 5 मिनट आपसे मांगूंगा, फुल डेडिकेशन से और फुल ध्यान से सुनना, ठीक है, और इसके बाद आपको एक अलग लेवल की मजा आएगी सीपीसी पढ़ने में। जरा पढ़ते हैं एक बार रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो होता है वो क्या कहता है, सुनना जरा। रेस जुडिकाटा ये लिखा हुआ है, ये सिंपल भाषा में कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, जरा सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घट जाएगी, ध्यान रखना। नो कोर्ट, पहला क्या कहता है, नो कोर्ट। नो कोर्ट का मतलब ये कह रहा है सेकेंड वाला कोर्ट, जो सब्सिक्वेंट सूट जिस कोर्ट में जा रहा है
उस सेकेंड कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, ये सब छोड़ दो, विच इज डायरेक्टली सब्सटैंशियली और बिटवीन द पार्टी और एनी ऑफ देम अंडर द सेम टाइटल इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैड बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड। इसको आप एक बार वापस से जाके घर पे पढ़िएगा, मैं आपको इसका मतलब बताता हूं क्या लिखा हुआ है। रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो है, जो सेक्शन 11 में लिखा हुआ है, उसका जो मेन पार्ट है उसको अगर आप शांति से 3-4 बार पढ़ेंगे तो उसका मतलब ये निकल के आता है कि जब एक फॉर्मर सूट था, ठीक है, जो डिसाइड हो गया, ठीक है, वो डिसाइड हो गया, जो फॉर्मल सूट था वो डिसाइड हो गया। अब जब सेकेंड सूट आया है, तो बेसिकली ये चेक किया जाएगा कि जो सेकेंड सूट है इसको ट्राई करने के लिए पुराना कोर्ट कॉम्पिटेंट था या नहीं था। समझना बात को, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं अगर पहुंच पाए वहां तक, कि रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो सेकेंड सूट आप फाइल कर रहे हो, जो जिस कोर्ट के पास आपने सेकेंड सूट फाइल किया है, वो ये चेक करेगा कि जो पिछला कोर्ट था जिसने आपका डिस्प्यूट डिसाइड किया है वो इस करंट डिस्प्यूट को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट था या नहीं था। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के केस में। अगर आज कोई कोर्ट, ध्यान से सुनना, एक बार बता रहा हूं जिसको समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो डिटेल्ड क्लास में जब अपन प्लस में करते हैं तो वहां पे मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, और अगर नहीं समझ में आया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके आंसर तक पहुंचने के लिए यही एक तरीका है और यही एक चीज है जिसको समझना पड़ेगा। तो अगर रेस जुडिकाटा ऐसा एक प्रिंसिपल ले डाउन करता है कि जब आप सेकंड कोर्ट के पास सूट लेके गए तो वो कोर्ट ये चेक करेगी कि आज का जो सूट है उसको ट्राई करने के लिए पुराना जो कोर्ट था वो कॉम्पिटेंट था या नहीं था। अब प्रॉब्लम कहां आती है, मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू आज एक, जब पहले सूट डिसाइड हुआ तब 1 करोड़ रुपए थी, और 20 साल बाद जब वो वापस से सूट फाइल किया गया तो इसकी वैल्यू 5 करोड़ हो गई, और अब जिस कोर्ट ने पहले ये 1 करोड़ वाला मुकदमा सुना था उसकी जो ट्राई करने की कॉम्पिटेंसी थी वो 3 करोड़ तक की ही थी। तो आज जब सेकेंड कोर्ट इस मैटर को देखेगी तो वो ये बोलेगी कि भाई आज मैटर 5 करोड़ का है, जिस कोर्ट ने इस मैटर को पहले सुना था उसकी ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ 3 करोड़ तक है। तो आज की डेट में ये जो 5 करोड़ का केस है ये सुनने के लिए जो फॉर्मर कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, और अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो रेस जुडिकाटा नहीं लगना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम थी, हमारे रेस जुडिकाटा की डेफिनेशन में। बहुत सारे लोग जा रहे हैं बेटा जाओ मत, थोड़ा आप बाउंस नहीं होगा, इसके बाद सरल चीजें भी हैं, मैं ये पहुंचाना चाह रहा हूं आप तक, अगर पहुंच जाएगा तो बहुत फायदा मिलेगा। आप डरो मत इस कंसेप्ट से, इस कंसेप्ट को बिना साथ लिए जुडिशरी निकालना मुश्किल है, मतलब ये जो डिफिकल्ट कंसेप्ट होते हैं उनको एनकाउंटर करना पड़ेगा, हम छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना, मजबूरी है। मैं आपके लिए ला सकता था सिंपल सिंपल क्वेश्चन इंडेक्स बेस्ड के, सबको मजा आता, सब हंसते खेलते कर लेते और नाम भी हो जाता सर ने बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए थे, लेकिन मैं वो काम करना ही नहीं चाहता हूं। जो चीज आपको आती है वही मैं बता के क्या लूंगा, कुछ नहीं मिलेगा उससे, तो मैं आपको कुछ अलग समझाना चाहता हूं, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पे बात ये कह रहा है कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी थी वो 1 करोड़ रुपए की थी, उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट था, किसी कोर्ट ने सुन लिया, 10 साल बाद वो कोर्ट वापस से वही डिस्प्यूट किसी दूसरी कोर्ट के पास आया, तो दूसरी कोर्ट ने जब चेक किया तो उस दिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ थी, तो उन्होंने देखा कि जो पुराना कोर्ट था वो तो 3 करोड़ तक के ही मैटर सुन सकता है, तो आज की डेट में जो पुरानी कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं थी इस सूट को सुनने के लिए, तो इस पर रेस जुडिकाटा नहीं लगना चाहिए। और ये एक प्रॉब्लम थी जो रेस जुडिकाटा में थी, जिसकी वजह से आपका एक्सप्लेनेशन 8 ऐड किया गया 1976 में, और 1976 का अब इस बात को ध्यान रखते हुए अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो तो देखो क्या लिखा है। एक्सप्लेनेशन 8 वॉज एडेड इन सेक्शन 11 विच प्रोवाइड्स दैट इफ एन इश्यू हैज बीन हर्ड एंड डिसाइडेड बाय अ कोर्ट ऑफ
लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। देखो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन या उसी तरीके की ज्यूरिसडिक्शन जहां पे कोर्ट लिमिटेड है। देखो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हुआ जैसे आप जाते हो तो आपके सिविल जज जूनियर डिवीजन मान लीजिए 10 लाख तक के मुकदमे सुन सकते हैं, तो वो कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब 10 लाख से ऊपर के वो मुकदमे नहीं सुन पाएंगे। सीनियर डिवीजन होगा तो वो 1 करोड़ तक के सुन पाएगा, तो वो भी कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होगा। एक होती है अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाएगा या हाई कोर्ट हो जाएगा, वो किसी भी पिक्यूनरी लिमिट के मैटर्स को सुन सकते हैं, तो वो अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट होते हैं। और जिस भी जगह पिक्यूनरी लिमिटेशन लगी होती है वो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट कहलाते हैं। तो अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसको पढ़ें तो ये क्या लिखता है, पढ़ो, लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू, सच डिसीजन वुड ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इन अ सब्सिक्वेंट सूट नॉट विद स्टैंडिंग दैट सर्च कोर्ट वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सब्सिक्वेंट सूट इन विच द सूट इशूड वॉज सब्सिक्वेंटली रेज्ड। ये वही बात है जो मैं समझा रहा हूं। अगर आप सिर्फ सेक्शन 11 को पढ़ते हो, अगर आप सिर्फ सेक्शन 11 को घर जाके 5 बार सेक्शन 11 को पढ़ना और उसके बाद मेरे इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करना कि 10 साल पहले अगर एक सूट डिसाइड हुआ है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी और मान लीजिए वो सिविल जज जूनियर डिवीजन के द्वारा डिसाइड हुआ और मान लेते हैं कि उनकी कॉम्पिटेंसी 3 करोड़ तक के मैटर को सुनने की थी और 10 साल बाद वापस से वो सूट लाया गया सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास और अब सीनियर डिवीजन साहब जब उसको ट्राई करने जा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि इस सूट की जो वैल्यू है वो 5 करोड़ रुपए है और जिस कोर्ट ने पहले डिसाइड किया था वो सिर्फ 3 करोड़ तक के मुकदमे सुन सकती थी, तो वो कोर्ट इनकॉम्पिटेंट है आज के इस सूट को सुनने के लिए, तो क्या उस पर रेस जुडिकाटा ना अप्लाई हो? अगर आप सेक्शन 11 पढ़ते हो तो कैटेगोरिकली यही बात लिखी हुई है कि इस केस में रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा। लेकिन ये रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल की एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से 1976 में एक्सप्लेनेशन 8 ऐड किया गया जिसने ये कहा कि अगर कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है तो बाद में भले ही उसकी लिमिट के बाहर चला गया हो डिस्प्यूट बट फिर भी वो रेस जुडिकाटा बनके अप्लाई होगा। सुलोचना अम्मा वर्सेस नारायणन नायर ये एक केस था जिसने इस एक्सप्लेनेशन और सेक्शन 11 के अंडरस्टैंडिंग को ले डाउन किया था। आप सुनिए क्या लिखा है, held that court of limited jurisdiction is wide enough to include the court whose jurisdiction is subject to pecuniary limitation or other cognate expression. A conjoined reading, ये crux है, पूरे discussion का crux है. A conjoined and harmonious reading of section 11 and explanation 8 results that if an issue which has arisen directly and substantially between the parties or their privies and decided and finally by the court of competent jurisdiction, though limited, will operate as res judicata in the subsequent suit or proceedings. So this was what was held in Sulochana Amma. और इसने इस explanation की जो जरूरत थी वो बताया। अगर सिर्फ आप सेक्शन 11 को पढ़ते हैं शांति से बैठ के 4 बार तो आपको यही निष्कर्ष निकल के आएगा कि आज के टाइम पे जो सेकंड सूट फाइल किया गया है उस समय कोर्ट यही चेक करेगी कि आज जो मुकदमा हमारे पास आया है उसको सुनने के लिए पुरानी कोर्ट कॉम्पिटेंट थी या नहीं थी। और वहां पे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के आधार पे कोई लिमिटेड कोर्ट थी और उसकी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन कम थी और आज सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू बढ़ गई है तो क्या उस केस में रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा? अगर सिर्फ आप सेक्शन 11 पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा, लेकिन जब आप एक्सप्लेनेशन 8 पढ़ेंगे और सुलोचना अम्मा को पढ़ेंगे तो उन्होंने समझाया इन दोनों की साथ में रीडिंग के आधार पर ही एक लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट में आप रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लगा सकते हैं। बताइए किसी को समझ में आया? ये सब लोग तो तारीफ ही कर रहे हैं, सर आई हैव बीन लिसनिंग योर क्लासेस फ्रॉम पास्ट 4 मंथ्स, वेरी यूजफुल, थैंक यू। एक्सप्लेनेशन, हाँ, पिक्यूनरी एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशंस, अब वो एक अलग बहस है, उस पर बहुत ज़्यादा हो जाएगा जी। कुलपति जी थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है। पर सर इस तरह से तो प्रॉपर्टी का कॉस्ट हमेशा ही बढ़ता रहेगा तो पुरानी कोर्ट हमेशा ही इनकॉम्पिटेंट हो जाएगी डिसाइड करने के लिए, तभी तो एक्सप्लेनेशन 8 लाला है।
यही जो दिक्कत आप बता रही हैं आयुषी जी, ये दिक्कत आ रही थी, इसी वजह से एक्सप्लेनेशन एट डाला गया है कि हम लॉ के आधार पर बोल रहे हैं कि इसमें भी रेस जुडिकाटा लगेगा इररिस्पेक्टिव आपका सेक्शन 11 क्या कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आया, दोबारा एक बार पढ़ लेना, अब इससे ज्यादा इस पर टाइम देने का मतलब नहीं है। अब एक और चीज आ गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो रेस जुडिकाटा पार्टीज के बीच में लगता है, ये बात तो ठीक थी, उनकी प्रीवियस के बीच में भी लगता है, ये बात भी ठीक थी, को डिफेंडेंट और को प्लेंटिफ के बीच में भी लगता है। मेरा कहने का मतलब है रेस जुडिकाटा जब आप पढ़ रहे हो तो इस बात को ध्यान रखो कि पार्टीज के बीच में तो लगता ही है, लीगल हायर्स के अगेंस्ट भी लगता है, को प्लेंटिफ को डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट भी लगता है, प्रो फार्मा डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट नहीं लगता है। ये पांच बातें हैं जो आपको रेस जुडिकाटा में ध्यान रखनी है। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि को डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट रेस जुडिकाटा कब लगता है। समझ रहे हो मेरी बात, क्वेश्चन समझ रहे हो? पहले हमने वो सारी बातें कर ली पार्टीज के बारे में, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है कि को डिफेंडेंट्स के बीच में रेस जुडिकाटा अप्लाई होने के लिए क्या कंडीशंस मैंडेटरी हैं, या इसमें तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सैटिस्फाइड। हाँ, मस्ट भी पूछ रहा है, बताइए। मैं सिंपल क्वेश्चन लेके आता विच सेक्शन रेस जुडिकाटा इज डिफाइंड, तो क्या मतलब होता? वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन बिटवीन, नहीं, द क्वेश्चन बिटवीन द डिफेंडेंट मस्ट नॉट, मस्ट द को डिफेंडेंट इज मोर देन, देखो देयर शुड बी नो कंफ्लिक्ट ऑफ, नहीं, सी करेक्ट है, सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। देखो तीन कंडीशन है, तीन कंडीशंस हैं, सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, ये लैंडमार्क केस है, और एक इफ्तिकार मोहम्मद वाला भी केस था। दो केस हैं जिन्होंने इस पूरी ज्यूरिस्प्रूडेंस को ले डाउन किया है कि को डिफेंडेंट्स के बीच में रेस जुडिकाटा कब लगता है। ये बात दो केसेस से निकल के आई है, एक आपका था क्या था, मैंने इफ्तिकार अहमद करके एक केस था, और दूसरा ये है सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। ये दो केसेस हैं जिन्होंने बताया कि तीन कंडीशंस रिक्विजिट हैं, मतलब जब आपको ये चेक करना है कि अगर एक सूट में एक प्लेंटिफ था और दो को डिफेंडेंट्स थे और कोई सूट का डिसीजन आया है, नेक्स्ट बाद में क्या होता है कि ये दो को डिफेंडेंट्स आपस में सूट फाइल करते हैं, तो जो कोर्ट होगा वो कैसे चेक करेगा कि इन को डिफेंडेंट्स पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। तो इन्होंने तीन कंडीशंस दी हैं, देयर मस्ट बी अ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द डिफेंडेंट्स कंसर्न, इट मस्ट बी नेसेसरी टू डिसाइड दिस कंफ्लिक्ट इन ऑर्डर टू गिव द प्लेंटिफ रिलीफ ही हैज क्लेम्ड, एंड द क्वेश्चन बिटवीन द डिफेंडेंट्स मस्ट हैव फाइनली डिसाइडेड। ये तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो जो को डिफेंडेंट्स होंगे उनके बीच में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लगेगा। ठीक है, तो बेटा सर्कल रेट भी तो बढ़ता ही है ना पंकुड़ी जी की, नहीं बढ़ता? और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ कुसुम इग्नोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू, ये आपको पता नहीं होगा, ठीक है, इसको आप लोग लिख लो, कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट केस है, कुसुम इग्नोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात कर रहा है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड फोरम कन्वीनियंस। बेसिकली देखो प्रॉब्लम क्या आती है सीपीसी में, इस बात को समझना, ये जो फोरम कन्वीनियंस या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का जो कंसेप्ट आता है वो आता क्यों है। आप देखते हो कि जब आप सीपीसी को पढ़ते हो तो आप देखते हो डिफेंडेंट्स को मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, मल्टीपल ज्यूरिसडिक्शन दी हुई हैं। आपने देखा प्लेंटिफ को दिए जहां डिफेंडेंट रिजाइड्स, वर्क्स फॉर गेन, कैरीज ऑन बिजनेस, या कॉज ऑफ एक्शन पार्टली और होल्ली अरोज। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब सीपीसी में आपने 5-6 जगह सूट फाइल करने का राइट प्लेंटिफ को स्टैट्यूट के थ्रू ही दे दिया है, तो उसके बाद जो प्लेंटिफ होता है उसको चूज करनी होती है। अगर आप वाला पूरा पार्ट पढ़ोगे जो ज्यूरिसडिक्शन वाला है, उसके बाद
ट्रांसफर ऑफ सूट वाला है तो वो इसी प्रेमाइस पर बेस्ड है। आप अगर उस चीज को समझोगे तो आपका सीपीसी से डर खत्म होगा। ठीक है, देखिए क्या हुआ, सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 सब देखते हो आप, वहां पे क्या दिया हुआ है कि मल्टीपल जगहों पे आप सूट फाइल कर सकते हैं। जब आप मल्टीपल जगहों पे सूट फाइल कर सकते हो, और सबसे अच्छी बात तो कॉज ऑफ एक्शन के बारे में लिखी हुई है कि कॉज ऑफ एक्शन पार्टली और होली अरूज, तो आप पार्ट में तो कॉज ऑफ एक्शन कई सारी जुरिस्डिक्शन में अराइज हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, वी आर रनिंग ऑन बैकअप। ठीक है, तो आइडिया है कि मान लीजिए बहुत सारी मल्टीपल ज्यूरिस्डिक्शन है आपके पास, तो इन दैट केस उसके पास फोरम शॉपिंग या फोरम कन्वीनियंस का ऑप्शन होता है कि वो किस फोरम में जाके अपना सूट इनिशिएट करता है। वहीं पे फिर दूसरी बात आ जाती है ट्रांसफर ऑफ सूट की। तो देखो सब जगह बैलेंसिंग है, प्लेंटिफ को 5-6 जगह दिया गया है सूट फाइल करने का, तो डिफेंडेंट को ट्रांसफर ऑफ सूट का पावर दिया गया है कि वो कोर्ट के पास आके बोल सकता है कि सर इस जगह पे आना मेरे लिए बहुत इनकन्वीनियंट होगा और आप प्लीज सूट को ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये जो बैलेंसिंग है यही सीपीसी कर रहा है। और जब एक डिफेंडेंट कोर्ट के पास जाता है कि सर मुझे अपना सूट ट्रांसफर कराना है, तो कोर्ट भी यही देखता है कि एक तरफ प्लेंटिफ का राइट है जो लॉ ने उसको दिया हुआ है कि आप 5 जगह में से कहीं पे भी सूट फाइल कर सकते हो, और एक डिफेंडेंट का राइट है कि उसका हिंड्रेंस ऑफ जस्टिस ना हो जस्ट बिकॉज ही इज नॉट एबल टू रीच द प्रॉपर फोरम। तो इनकी जो बैलेंसिंग है ना यही सीपीसी कर रहे हैं। आई एम स्टडिंग इन फर्स्ट ईयर राइट नाउ, कल मेरा मुस्लिम लॉ का पेपर है और मैं सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं। आपके पढ़ाने के तरीके की वजह से सर यू आर द बेस्ट टीचर। कौन से पिछले क्वेश्चन का बेटा? अजय जी ये दे तो दिया ना, ये 3 वो है पॉइंट्स जिसके आधार पर डिसाइड होगा। ठीक है, तो यहां पे समझ गए आप टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और फोरम कन्वीनियंस, यही जो बात हुई थी इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सरल क्वेश्चन। Under which provisions of CPC in a suit to set aside a decree on the ground of lack of territorial jurisdiction is barred? बिल्कुल बेसिक बता रहा है कोई? नहीं, सीआरपीसी हम पढ़ा चुके, एक समय था जब मैंने 75 लेक्चर्स YouTube पे लिए थे सीआरपीसी के, अभी दैट इज डेल्ट बाय शुभम सर, तो वो पढ़ाएंगे सीआरपीसी, अभी मेरे पास सीपीसी है, आगे फिर कभी कुछ होगा तो देखते हैं। ठीक है, 12-21 ये समझ में आ गया, 21A ये बहुत ही सिंपल। चलिए अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे इंटेंस क्वेश्चन हैं, बट इन क्वेश्चंस पे जाने से पहले, सारे ही क्वेश्चन इंटेंस हैं, आपको बता दूं कि अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं उसमें 20% का भारी डिस्काउंट चल रहा है 26-30 तारीख तक। कोड आपको पता है, मेरा कोड है DPJ10, इस कोड को यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा सारे अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पे। फिलहाल वैसे रेगुलरली 10% रहता है, अभी फेस्टिवल ऑफर जो है उसके अंदर 20% डिस्काउंट है। तो अगर आप प्लस के हमारे सारे कोर्सेज, बहुत सारे मेरे सीपीसी पढ़ा हुआ है, प्लस में कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रहा हूं, ऐसे खतरनाक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है अभी सुबह 11 बजे। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर आप चाहते हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद, तो यू कैन थिंक फॉर दिस ऑप्शन। कोड याद रखना DPJ10, मेरा कोड जो यूज करता है उसको मैं थोड़ा सा और गाइड वगैरह करता हूं कि कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट ग्रांटेड टू द हाईकोर्ट अंडर सेक्शन 24? सर टोटल 30-35 क्वेश्चंस हैं, देखिए जितने मन हो जाए कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट ग्रांटेड टू द हाई कोर्ट? सिंपल क्वेश्चन है, डिडक्टिव लॉजिक से भी आ जाएगा, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं याद है तो भी डिडक्टिव लॉजिक से निकल आएगा। पावर टू ट्रांसफर अ सूट पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल टू अदर कोर्ट, अदर कोर्ट की इनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती है। ठीक है, 24(1) में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, अच्छा जी अब इस पर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस पे आएंगे। दिस क्वेश्चन इज अ टेढ़ा क्वेश्चन, देखिए बताइए, सब लोग बता रहे हैं मुझे
सही बात है, लेकिन मैं इसको थोड़ा मतलब भी समझाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग सही आंसर दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 42 की बात करता है, सेक्शन नंबर 42 को डील कर रहा है कि अगर कोर्ट जिसके पास एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री ट्रांसफर की गई है। देखो दो तरह की कोर्ट होती है, मेरी बात समझना, ध्यान से समझना, ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। एक कोर्ट होगी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जिसने डिक्री प्रनाउंस की है। अब होगा क्या, कई बार जिस कोर्ट ने डिक्री प्रनाउंस की है उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में या पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन में, फॉर दैट मैटर जो भी चीज हो रही है, पिक्यूनरी नहीं होगी तो पहले ही ट्रांसफर कर देगी, बट अगर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में उस डिक्री को सेटिस्फाई करने भर की प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज नहीं है उस कोर्ट के पास, तो इन दैट केस व्हाट द कोर्ट डज इज कि कोर्ट किसी और कोर्ट को डिक्री ट्रांसफर कर देती है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट हो जाती है जिस कोर्ट को डिक्री ट्रांसफर की गई। हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अगर मैं कानपुर में रह रहा हूं, मैंने किसी के अगेंस्ट सूट फाइल किया और वो इंसान हार गया, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सारी लखनऊ में है, तो इन दैट केस द कानपुर कोर्ट विच हैज पास द डिक्री विल ट्रांसफर द डिक्री टू द लखनऊ कोर्ट कि सर आप इस डिक्री को एग्जीक्यूट करा दीजिए। अब क्वेश्चन क्या है यहां पे कि इसमें से क्या नहीं कर सकता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो अगर आप सेक्शन नंबर 42 को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता है। टू सेंड अ डिक्री टू अनदर कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन, देखो एग्जीक्यूशन परस्पर चलता रह सकता है, इसका यह मतलब है जिस कोर्ट ने डिक्री फाइल की उसने किसी दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर के लिए भेजी। मान लीजिए वो जो लखनऊ की कोर्ट जिसको हमने ट्रांसफर के लिए डिक्री भेजी थी वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, उसको ये पता चला कि उसकी प्रॉपर्टी एक्चुअली अयोध्या में है और कुछ कंफ्यूजन की वजह से ये यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी बेच चुका था, तो वो अयोध्या की कोर्ट में भेज देंगे, तो वो वापस से ट्रांसफर कर सकते हैं, ये पहला है। दूसरा क्या है, टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, टू ऑर्डर अटैचमेंट ऑफ अ डिक्री, अटैचमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं वो आपका सेक्शन 42 के क्लॉज 4 में दिया हुआ है। क्लॉज 4 में, 42 के क्लॉज 4 में दिया हुआ है कि आप क्या नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का, यार अजय जी मैंने बताया आप तब, थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा यार, क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने 10 मिनट बताया, अभी आप उसको प्लीज बैक करके देख लीजिएगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं तो फिर हम आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हाँ मैं क्या बता रहा था आपको, 42 का क्लॉज 4, 42 का क्लॉज 4 एक बार आप पढ़िएगा। 42 का क्लॉज 4 कहता है कि कोर्ट के पास क्या पावर नहीं होती है, कोर्ट के पास क्या पावर नहीं होती है, मतलब क्वेश्चन पहले समझना। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जिसके पास कोई एक डिक्री ट्रांसफर होके आई है, मेरी बात ध्यान से समझना, 42 बात करता है पावर ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर्ड डिक्री, वहां पे वर्ड यूज है ट्रांसफर, इसका मतलब नेसेसरी है कि सेक्शन 42 उस सिचुएशन की बात कर रहा है जहां पे जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस थी उसने डिक्री दी लेकिन उसका एग्जीक्यूशन वो कोर्ट नहीं कर सकती थी, तो उसने किसी और कोर्ट को डिक्री ट्रांसफर करी, पहली चीज ये। तो जब किसी कोर्ट को डिक्री ट्रांसफर होके मिली है मतलब उस कोर्ट ने एडजुडिकेट नहीं किया है, डिक्री उस कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई है, वो कोर्ट सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है 42 का कंसेप्ट समझने के लिए। अब उस कोर्ट के पास जिसके पास ट्रांसफर होके डिक्री आई है उसके पास 3 पावर्स है, ये 3 पावर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फर्दर भेज सकती है, अटैचमेंट कर सकती है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट उसको एग्जीक्यूट करा सकती है। लेकिन क्लॉज 4 जो है वो एक अलग बात कहता है, क्लॉज 4 बात करता है कि उस कोर्ट जिसके पास ट्रांसफर होके आई है डिक्री वो क्या नहीं कर सकती, वो क्या नहीं कर सकती है, और उसका पहला पॉइंट है पावर टू ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ ट्रांसफरी ऑफ द डिक्री। बेसिकली ये है आपका ऑर्डर 21 में रूल 16, उसको जाके एक बार पढ़िएगा। कई बार ऐसे इंस्टेंस होते हैं जब मान लीजिए जिसके अगेंस्ट डिक्री आई है वो 2 लोग हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके से डिक्री एक इंसान ने दूसरे के अगेंस्ट ट्रांसफर करवाई है, तो उस केस में जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट थी जिसके पास डिक्री ट्रांसफर होके आई थी वो डायरेक्टली उस तीसरे इंसान के अगेंस्ट एग्जीक्यूट नहीं करा सकती। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपका जो जजमेंट डेटर हुआ
या जो जिसके जिसके अगेंस्ट डिक्री है उसने अगर ट्रांसफर ऑफ डिक्री के एप्लीकेशन लगाई है और उसकी डिक्री ट्रांसफर हो गई है किसी और के अगेंस्ट, जैसे गार्निशिंग वगैरह में भी आप पढ़ते हो, तो कहने का मतलब है कि अगर एक इंसान ने डिक्री ट्रांसफर कर दी है दूसरे इंसान के अगेंस्ट, तो ये जो दूसरा इंसान है इसके अगेंस्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डायरेक्टली डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। इस इंसान को पहले अपनी पेरेंट कोर्ट या जिस कोर्ट ने डिक्री दी थी उसके पास जाना पड़ेगा और वो कोर्ट वापस से लिख के देगी कि इस नए इंसान के अगेंस्ट आप डिक्री को एग्जीक्यूट करिए, तब ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इस डिक्री को एग्जीक्यूट करेगी। ये बात थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो आप इसको सीधा सीधा भी याद कर सकते हो कि क्या दिया हुआ है 42 में। अगर आपको ये बात समझ में आती है, थैंक यू आकाश जी, ये बात किसी को समझ में आई? किसी को समझ में आई? कोई ऐसा है जो कह सके सर ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई? बेसिकली मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, मैं आपको एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ में आया तो मतलब आ जाए तो अच्छी बात है। ध्यान से सुनना, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। देखो याद तो कर लोगे, याद करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी इंटरव्यू में पूछ लिया गया या मेंस में क्वेश्चन आ गया तो गलत हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, कर तो लोगे सब, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ए और बी के बीच में एक सूट था, ठीक है, और ये कोर्ट वन में डिसाइड हो रहा है, कोर्ट वन ने डिक्री प्रनाउंस कर दी, ठीक है, डिक्री दे दी, ठीक, जजमेंट प्रनाउंस कर दिया, डिक्री दे दी। अब क्या हुआ कि कोर्ट सी वन ने कोर्ट सी टू में इसको भेजा, यहां पे मान लो बी और सी भी थे, दो लोग थे, अब सी टू के पास भेजा डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के, एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है। यहां पे जो डिक्री थी वो बी और सी दोनों के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होनी थी, मान लीजिए बी और सी हार गए और ए जीत गया, अब ये जो डिक्री थी ये बी और सी दोनों के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होनी थी। अब मान लीजिए बी ने एक ऑर्डर ले आया कि ये जो डिक्री है ये सिर्फ और सिर्फ सी के अगेंस्ट एग्जीक्यूट हो या ट्रांसफर ऑफ डिक्री। अब ये एक अलग प्रिंसिपल है ट्रांसफर ऑफ डिक्री का, अभी उस पे मत जाओ क्योंकि वो पूरा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगा इस टॉपिक को, सिंपल भाषा में समझो एक इंसान ने डिक्री ट्रांसफर कर दी, तो ये जो ट्रांसफरी है ये सी है, इसके ऊपर डिक्री ट्रांसफर हो गई, तो अब जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो सिर्फ इसके अगेंस्ट डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, इन दोनों को वापस जाना पड़ेगा सी वन के पास और सी वन वापस से डिक्री में चेंज करके एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगा कि सिर्फ सी के अगेंस्ट डिक्री एग्जीक्यूट करी जाए, तब ये जो सी टू कोर्ट है सिर्फ सी के अगेंस्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करेगा। अपने आप से अगर अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने दो लोगों का नाम लिख के दिया है और किसी भी सिचुएशन में डिक्री ट्रांसफर होके एक दूसरे इंसान के पास आ गई है तो कोर्ट ऑटोमेटिकली इसको नहीं करेगा, इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा और वहां से ऑर्डर लेके आना पड़ेगा कि सिर्फ सी के अगेंस्ट एग्जीक्यूट की जाए, तब ये जो सी टू कोर्ट है ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब शायद समझ में आया होगा, अब शायद थोड़ा समझ में आया होगा। अब ये ट्रांसफर ऑफ डिक्री जो है ना ये अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ये जनरली जुडिशियरी एग्जाम्स में पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन अब अगर आप पढ़ोगे सेक्शन 42 का क्लॉज 4 तो आपको समझ में आएगा, अब अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जिनको नहीं आया हो उनके लिए उनसे मैं क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि ये हमारी एक रेगुलर क्लास नहीं है जिसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ाऊंगा तो फिर 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, तो इतने में अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो एक बार पीछे जाके देख लीजिएगा, वरना प्रयास करिएगा, मैंने आपको टॉप आइडिया बता दिया है तो इस आइडिया से आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिसेप्ट्स आर इश्यूड अंडर सेक्शन 46(4). बच्चे कम होते जा रहे हैं, इतना सबको लग रहा है पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। देखो ये सब पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव मुझे अपनी नॉलेज को शो ऑफ करना नहीं है, जिस तरह से पेपर का कंपटीशन बढ़ रहा है सारे बच्चों को आज के टाइम पे पता है रेस जुडिकाटा कहाँ पे दिया हुआ है, रेस सब जुडिस क्या है, इंजंक्शन कहाँ है, टेम्परेरी इंजंक्शन कहाँ है, ये सबको पता है, और इन क्वेश्चंस की महज जानकारी से आज के टाइम पे एग्जाम निकालना कठिन है। एग्जाम के पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, नए नए क्वेश्चन इम्प्रोवाइज किए जा रहे हैं और ये जो एक एक दो दो क्वेश्चंस है ना यही पूरा डिफरेंस ला रहे हैं।
तो अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। बताइए, अटैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर, सीधा सीधा बात है, क्या होता है भाई सब प्रिसेप्ट, प्रिसेप्ट कुछ नहीं होता है, प्रिसेप्ट कुछ नहीं होता है, एक कोर्ट ने जजमेंट दिया, अभी सामने वाला जो प्लेंटिफ, जो आपका जजमेंट होल्डर है या डिक्री होल्डर है, वो कोर्ट से आगे कहता है कि सर जब तक आप एग्जीक्यूशन के लिए इस डिक्री को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करोगे और वो कोर्ट इस चीज को आगे देखेगी कि कैसे क्या करना है, तब तक ये इंसान जो जजमेंट डेटर है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के निकल जाएगा। तो आप कृपया करके पहले एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को बोल दीजिए कि वो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दे और उसके बाद में जो भी एग्जीक्यूशन का और बाकी प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करिएगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिसेप्ट्स, ठीक है, ये हो जाएगा प्रिसेप्ट, पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 51 ऑफ द सीपीसी, 51 जॉली जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन, पूछा जाता है सर, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाने वाला केस है, पावर्स ऑफ द कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन। बेसिकली इसमें एक कंसेप्ट समझाया गया था, इस बात को सुनना जरा, हो सकता है आप तक पहुंचे, कि सेक्शन 51 में बहुत सारी रेमेडीज दी हुई हैं, उसमें एक रेमेडी दी हुई है अरेस्ट की भी, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने समझाया था कि ये जो अरेस्ट है ये सबसे पहले नहीं करा जाएगा और बाकी जो दूसरे मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको कोर्ट को जनरली करना चाहिए और जब वो फेल हो जाए तब आपको उस जजमेंट डेटर के अगेंस्ट अरेस्ट के प्रोविजंस में आगे जाना चाहिए। बट अरेस्ट शुड नॉट बी सीन एज एन ऑप्शन अमंगस्ट द गिवन रेमेडीज, इट शुड ओनली बी सीन एज अ रेमेडी व्हेन द प्रीवियस वन आर नॉट इफेक्टिव इन नेचर। दैट वाज द लॉजिक गिवन इन जॉली वर्गीस, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मे बी इशूड टू, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, किसी दूसरे देश में कोई इंसान है, उस वो विटनेस है, अगर उसको एग्जामिन करना है तो आप लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कर सकते हो। हेलो सर, सेशन इज गोइंग वेरी वेल, प्रैक्टिसिंग लॉ फ्रॉम 3 years, स्टिल आई डोंट मिस अ चांस टू ग्रैब इनसाइट फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच विक्रम जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ में आता है या उससे कुछ मदद मिलती है। सेक्शन 77, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, इन लियू ऑफ इशूइंग अ कमीशन द कोर्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू एग्जामिन अ विटनेस रिजाइडिंग एट एनी प्लेस नॉट विद इन इंडिया, ठीक है, सेक्शन नंबर 77। सर डीजेएस का बैच क्षितिज जी अभी नहीं चल रहा है, अभी डीजेएस का बैच नहीं चल रहा है अन अकेडमी पे, जनरली जब एग्जाम आता है तब कुछ क्रैश कोर्स जैसे बैचेस आते हैं बट अभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 74 डील्स विद, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सेक्शन 74 डील विद रेस्टिट्यूशन ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं सॉरी रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन। कोर्ट के पास पावर है, अगर कोर्ट एग्जीक्यूशन करने जा रही है किसी भी डिक्री का और आप उसको जानबूझ के रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो 74 के अंदर आपको 30 दिन तक का सिविल प्रिजन हो सकता है, 30 डेज ये भी पूछा जाता है कितने दिन का इंप्रिजनमेंट हो सकता है 74, ठीक है, चलो ये बेसिक क्वेश्चन है। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, आपको लगेगा आपको आता है लेकिन इसमें थोड़ी सी बस एक छोटी सी महीन चीज है जो आपको समझनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिविलेज इज नॉट गिवन टू द पब्लिक ऑफिसर इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्ट डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, बताओ विच इज नॉट अ प्रिविलेज। नॉट पूछ रहा है, नॉट अ प्रिविलेज, द करेक्ट आंसर इज ए। देखो यहां पे कुछ भी नहीं है, बस एक बार ध्यान से समझना, एक बार सेक्शन 81 सीपीसी निकालो जरा पेयर एक्ट में, इसमें मैं लिख के नहीं लाया पता नहीं क्यों, एक बार सेक्शन 81 निकालो, नहीं एक बार 81 निकालो तो समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। इन अ सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्ट परपोर्टिंग टू बी डन बाय हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, क्या लिखा हुआ है, द डिफेंडेंट शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट nor his property to attach otherwise than in execution of a decree, otherwise than in a execution of decree, इसका मतलब execution of decree के अलावा
अरेस्ट और प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं हो सकता, इसका मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में हो सकता है। तो यहां पे अगर अब आप देखोगे इन क्वेश्चन को, हिज प्रॉपर्टी शैल नॉट बी लायबल टू अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, बिल्कुल नहीं। प्रॉपर्टी जो अटैच हो सकती है वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ही शैल नॉट बी लायबल टू अरेस्ट अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन, ये सही है। ही मे बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपियरिंग पर्सन, ये भी सही है। द गवर्नमेंट शैल बी ज्वाइंट एज अ पार्टी, ये भी सही है। देवेशी सर, इट्स अ गुड सेशन, प्लीज स्टार्ट मेंस आंसर राइटिंग सेशन आइदर ऑन अनअकैडमी और यूट्यूब। मैं देखता हूं सर, देखता हूं। समझे, समझ में आई बात? 81 का खेल समझ में आया? समझ में आया? सब लोग कमेंट करके बताएंगे भाई, बाद में वीडियो पे भी कमेंट करेंगे कि सर कैसा रहा सेशन, ठीक है? फर्क समझ में आया? 81 में जो दिखाना चाह रहा हूं वो चमका कि नहीं चमका? बस यही पढ़ लेते हो, अरेस्ट नहीं होगा, अटैचमेंट नहीं होगा। अरे एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन, जब चार्जेस प्रूव हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री में भी नहीं होगा क्या? होगा। मारिया जी कह रही है, सर आई एम अ प्लस स्टूडेंट, कैन आई सेंड यू माई सीपीसी आंसर्स ऑन टेलीग्राम? बेटा अभी बहुत सारे बच्चों के आंसर चेक करने के बाद अभी थोड़ा हॉल्ट लगाया है मैंने, थोड़ा टाइम रुक जाओ, एक हफ्ते बाद मैं वापस से ओपन करूंगा, आप लोग अपने आंसर्स दे सकते हो, मैं चेक करूंगा। अभी थोड़ा सा अपन ऑक्यूपाइड हैं बहुत ज्यादा। बताइए भैया ये क्वेश्चन बताइए, ठीक है? ये क्वेश्चन तो बच्चे बच्चे को पता है। ए डिपॉजिट्स अ बॉक्स ऑफ ज्वेल विद बी एज इज एजेंट, सी एलिजेस दैट द ज्वेल्स वर रॉन्गली ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम हिम and claims them from B, their B. नहीं, यहीं पे तो बच्चों गलती हो गई तुम लोग से, यहीं तो गलती हो गई। चलो मैं समझाता हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, पांच मिनट सिर्फ एक ही इंसान बोलेगा, वो है देवशीष सर। इंटरप्लीटर सूट का क्या मतलब होता है? इंटरप्लीटर सूट का सिंपल भाषा में मतलब होता है कि मान लीजिए मुझे एक वॉच मिली, मैं आप लोग को ऑफलाइन पढ़ा रहा था और मुझे एक वॉच मिली। अभी एक स्टूडेंट आया, वो बोलने लगा कि सर मेरी घड़ी है। दूसरा इंसान आया, वो बोलने लगा मेरी घड़ी है। अब पॉइंट इतना है कि घड़ी मेरी नहीं है, मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं कोर्ट में जाके बोलता हूं कि सर ये घड़ी मेरी नहीं है, इन दोनों में से किसी की है, आप मुझे फ्री कर दीजिए और इन दोनों के बीच में डिसाइड कर लीजिए कि किसकी घड़ी है, मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं। तो दैट इज बेसिकली इंटरप्रीटर सूट। इंटरप्रीटर सूट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है और दो लोग उससे एडवर्सली क्लेम कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, और उन दोनों के बीच में एडजुडिकेशन कराने के लिए वो अगर कोर्ट में सूट फाइल करता है तो उसको इंटरप्रीटर सूट कहते हैं। ये बात आप सबको पता है। अब इंटरप्रीटर सूट का एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन ये होता है कि अगर किसी का कोई एजेंट है, ठीक है, या कोई सर्वेंट है, उसके अगेंस्ट इंटरप्रीटर सूट नहीं फाइल किया जा सकता। ये एक एक्सेप्शन होता है। इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूं। मान लीजिए मैं एक एजुकेटर हूं, मैं अपने अंडर दो तीन लोगों से काम करवाता हूं जो मेरे एम्प्लॉयज हैं। अब क्या होता है, उन एम्प्लॉयज को मैं एक लैपटॉप देता हूं काम करने के लिए। अब क्या होता है, एक तीसरा इंसान कहता है ये लैपटॉप मेरा है। मेरे एम्प्लॉय से एक तीसरा इंसान कह रहा है कि ये लैपटॉप मेरा है, तो उस केस में जो मेरा एम्प्लॉय है वो मेरे और थर्ड पर्सन के बीच में इंटरप्रीटर सूट नहीं ला सकता, क्योंकि वो मेरा एम्प्लॉय है, मैंने किसी अथॉरिटी पे उसको सामान दिया है। यही केस ये वाला है। इसके आगे एक और चीज आती है जिसकी वजह से आप लोग सी डाल रहे हो, वो ये है कि अगर एजेंट या सर्वेंट या एम्प्लॉय है और सामने वाला एक बेटर टाइटल दिखा देता है, तो उस केस में ये जो एजेंट है ये इंटरप्रीट करा सकता है। इसका मतलब ये है कि जनरल रूल ये है कि अगर कोई एजेंट है या सर्वेंट है या एम्प्लॉय है, वो अपने मास्टर को या अपने एम्प्लॉयर को किसी तीसरे आदमी से इंटरप्रीट नहीं करा सकता। ये जनरल रूल है। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर तीसरा आदमी एक बेटर टाइटल शो कर देता है
तो जो सर्वेंट या एजेंट है वो इंटरप्रेट करा सकता है अपने मास्टर को किसी थर्ड पर्सन से, लेकिन वो जो एक्सेप्शन का एक्सेप्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो यहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे वर्ड लिखा हुआ है एलिजेस, यहां पे वो सिर्फ एलिज कर रहा है, यहां पे उसने कोई भी सब्सटेंटिव प्रूफ नहीं दिखाया है ऑफ हैविंग द बेटर टाइटल। अगर वो वही एक लेटर दिखा देता कि तुम्हारे सर का ये लेटर है जिसमें मैंने उनको कहा है कि मैं आपको ज्वेल का बॉक्स दे रहा हूं आप मुझे लौटाओगे, तो वो आपके उस एक्सेप्शन में फॉल करता और फिर सी सही हो जाता। लेकिन यहां पे सिर्फ उसने एलेज किया है और उसने कोई भी बेटर टाइटल नहीं दिखाया है कि सर मेरे पास कैसे ये बेटर टाइटल। समझ में आई किसी को बात? ये ऑर्डर 35 के रूल 4 में जो एग्जांपल दिए हुए हैं 4 या 5 में, वो इलस्ट्रेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। समझ में आई बात? चलो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी से शेयर करना, और तुम्हारे आसपास में जान पहचान में पड़ोस में मोहल्ले में कोई भी अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन ले रहा हो, किसी भी कोर्स का ले रहा हो, तो मेरा कोड DPJ10 जरूर अप्लाई कराना। तुम्हें अगर सब्सक्रिप्शन लेना है मेरे स्टूडेंट हो तो मेरा कोड यूज ही करना। अगर तुम नहीं भी लेना चाहते हो, तुम्हारे आसपास में जान पहचान में कोई लेना चाह रहा है, तो आप उस चीज को जरूर बताना, ठीक है? चलो इंटरप्रीटर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन कमिट्स अ पब्लिक न्यूसेंस। फटाफट चलो बता देता हूं, तुम लोग भी बोर हो रहे होगे कि सर कितना लंबा चलेगा यह सेशन। मेरे को कुछ नहीं, मैं 2 घंटे चला सकता हूं, लेकिन मैं उतना ही चाहता हूं जितना आप लोग एब्जॉर्ब कर पाए, बाकी फिर एक एक्स्ट्रा क्लास रख लिया जाएगा, कुछ तो किया जाएगा। बट चलो पब्लिक न्यूसेंस के कंटेक्स्ट में एक बात ध्यान रखना कि पब्लिक न्यूसेंस एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी रेमेडी आईपीसी में भी दी हुई है, सीपीसी में भी दी हुई है, टॉट में भी दी हुई है। तीनों जगह आप पब्लिक न्यूसेंस का सूट फाइल कर सकते हो, ये एक बात ध्यान रखना। ऑल द अबव सेक्शन नंबर 268 आईपीसी, ठीक है, ये बात करता है पब्लिक न्यूसेंस की। 91 सीपीसी बात करता है पब्लिक न्यूसेंस की, और टॉट में भी डैमेजेस फाइल किए जा सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस की। इसमें तीनों रेमेडीज हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 96 क्लॉज 4 इंसर्टेड बाय द सीपीसी अमेंडमेंट बार्स। 96 क्लॉज 4 बाद में अमेंडमेंट से ऐड किया गया है, बाद में 1976 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया है। 1976 से ही आपका वो वाला भी ऐड किया गया था प्रोविजो 8 रेस जुडिकाटा में, ठीक है? क्या बात करता है? अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिग्री जिसमें 4 है, नो अपील शैल लाई ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये स्मॉल कॉजेस कोर्ट की बात कर रहा है, ₹10,000। ये जो ₹10,000 है ये भी आपका क्वेश्चन में आता है। स्मॉल कॉजेस कोर्ट जो होती है वो प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट है। पहले जनरली ये बॉम्बे मद्रास और बाकी जगहों पे ही होती थी, छोटे छोटे मैटर को डिसाइड करने के लिए स्मॉल कॉजेस कोर्ट होती है। तो इसका आंसर आपका हो गया पेटी केसेस बी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रीव्ड पर्सन मे नॉट अप्लाई फॉर रिव्यू। ये क्वेश्चन फिर आराम से करते हैं, तुम लोग अभी फंस जाओगे इसमें और फिर हमसे बहुत सारे सवाल पूछोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी प्रोवाइड एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। जो वुमेन कस्टम और ट्रेडिशन के आधार पर वो बाहर नहीं निकलते हैं, उनको किसी भी तरह का जो एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जाता है वो किस प्रावधान में दिया हुआ है? वो दिया हुआ है आपका 132 में, ये इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो 132। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट इनहेरेंट पावर्स हैज नॉट बीन कन्फर्ड ऑन अ कोर्ट, इट इज अ पावर इनहेरेंट टू द कोर्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इनहेरेंट पावर्स का। देखो कोर्ट जो होती है ना वो बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग अ कोर्ट ऑफ लॉ हैव इनहेरेंट पावर्स। जो सेक्शन आपका 151 दिया हुआ है वो किसी भी तरह से इनहेरेंट पावर्स कोर्ट्स पे बेस्टो नहीं करता है, या सीआरपीसी में 482 या कॉन्स्टिट्यूशन में 142 आर्टिकल या फिर आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में 165 पैरा 2, ये सारे जो है इनहेरेंट पावर्स के मैनिफेस्टेशन है। ये क्या बताते हैं कि कोर्ट्स के पास ये इनहेरेंट पावर होगी, वो सिर्फ उस बात को एक्नॉलेज करते हैं, वो देते नहीं है। कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट बीइंग अ कोर्ट ऑफ लॉ इन इटसेल्फ हैज द इनहेरेंट पावर, दीज प्रोविजंस मेयरली एक्नॉलेज इट। ये बात समझाई गई थी मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल में, राइट, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The time of institution of a suit can be enlarged by which of the following provisions? देखो यहां पे एक बहुत स्लिम लाइन डिफरेंस है इसमें. करेक्ट आंसर आपका सेक्शन 148 है, लेकिन एक बात मेरा बात ध्यान रखना, 148 तभी लगता है जब कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई टाइम दिया है, तभी उसको एनलार्ज किया जा सकता है. अगर कोड में सीपीसी में कोई टाइम लिमिट दी है तो उसका एनलार्जमेंट 148 में नहीं हो सकता है, जरूरत पड़ने पे 151 में किया जा सकता है. दैट इज अ डिफरेंट फेसेट. 148 क्या कहता है? वेयर एनी पीरियड इज फिक्स्ड और ग्रांटेड बाय द कोर्ट फॉर डूइंग एनी एक्ट प्रिस्क्राइब्ड और अलाउड, द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एनलार्ज सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज इन टोटल इवन दो द पीरियड ओरिजिनली फिक्स्ड हैज एक्सपायर्ड. यहां पे आपको मेरे प्यारे बच्चों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि 148 बात करता है एनलार्जमेंट ऑफ टाइम की. ये बोलता है कि 30 दिन का टाइम एनलार्ज किया जा सकता है, लेकिन ये 30 दिन का टाइम सिर्फ और सिर्फ उन सर्कमस्टेंसेस में एनलार्ज किया जा सकता है जहां पे कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई टाइम फिक्स किया है कि आप 30 दिन में ये करेंगे या 25 दिन में ये करेंगे, उस केस में हो सकता है. अगर आपके सीपीसी में दिया हुआ है कि 14 दिन में इंटरोगेटरीज होनी है, 60 दिन में आपका डब्ल्यूएस होना है, 90 दिन में या एक्सटेंशन है, जो कुछ भी टाइम सीपीसी लॉ ने जो टाइम प्रिस्क्राइब किया है उस टाइम को बढ़ाने की पावर कोर्ट के पास 148 से नहीं आती है. 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट के थ्रू वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन 148 के थ्रू नहीं कर सकते हैं. इस बात को ध्यान रखना. Who has the right to make an application for the amendment of judgment and orders under section 152? 152 में जो clerical और arithmetical errors, बाकी errors हैं, उनको change करने की authority किसके पास होती है? तो दो चीजें होती हैं, court on their own motion या फिर any of the parties. दो लोग कर सकते हैं. यहाँ पे लिखा है court either on the own motion or the application of any parties. ये आपने पढ़ा होगा. तो हाँ exactly. तो इन दोनों के आधार पे इसको किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन रिवर्सल ऑफ अ डिक्री विच सेक्शन इम्पोज़ेस एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टी टू द सूट हु हैज रिसीव्ड एन अनजस्ट बेनिफिट ऑफ द एरोनियस डिक्री टू मेक रेस्टिट्यूशन टू द अदर पार्टी फॉर व्हाट ही हैज लॉस्ट. देखो सिंपल बात है, रेस्टिट्यूशन का प्रिंसिपल. जैसे आज सुबह की क्लास में हम रेस्टिट्यूशन पढ़ रहे थे ना, माइनर के केस में. मैंने आपको बताया था सुबह की प्लस क्लास में कॉन्ट्रैक्ट में टॉपिक चल रहा था, माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट वॉइड होता है और माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं. मतलब बेसिकली जो मोरी बीबी में डिस्कशन था वो ये था कि अग्रीमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए वो वॉइडेबल होना चाहिए या फिर उसको आप अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो कहोगे. और वो इसलिए कहा गया था क्योंकि उसमें रेस्टिट्यूशन कराना चाहते थे सेक्शन 64 और 65 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. तो जो रेस्टिट्यूशन का प्रिंसिपल था वहां पे भी रेस्टिट्यूशन का मतलब था जिसने जो बेनिफिट लिया है उसको वापस करे. उसी तरीके से सेक्शन 144 जो सीपीसी का है वो भी रेस्टिट्यूशन का बात करता है. रेस्टिट्यूशन का सिंपल भाषा में मतलब होता है मेरे और आपके बीच में सूट था, मान लीजिए मेरे फेवर में डिसीजन आ गया, मैंने उस सूट को एग्जीक्यूट उस डिक्री को एग्जीक्यूट करा लिया, आप हायर कोर्ट में गए और कोर्ट ने उस डिक्री को रिवर्स कर दिया. जब रिवर्स कर दिया तो आपके फेवर में चीज आ गई. तो अब मैंने जो भी एग्जीक्यूशन से बेनिफिट उठाया है उसको जो वापस करने के लिए आप जो एप्लीकेशन कोर्ट में डालोगे वो सेक्शन 144 की एप्लीकेशन होगी, वो 144 की एप्लीकेशन होगी. ठीक है, वो 144 की एप्लीकेशन होगी. विच सेक्शन ऑफ अ सीपीसी ग्रांट एग्जेम्पशंस टू द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसेस? बताइए. 135A. हाँ, 135A. नो जज मैजिस्ट्रेट और अदर जुडिशियल ऑफिसर. ये क्लॉज वन मैजिस्ट्रेट्स वगैरह के बारे में बोलता है और आपके ये लेजिस्लेचर्स के बारे में भी बोलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको हमेशा याद रखना है. यू आर माई स्टूडेंट, यू हैव टू रिमेंबर इट ऑलवेज. विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट द कोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 10? देखो एक चीज और ध्यान रखना, सेक्शन 10 जो है वो एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, उसमें पास की गई एक डिग्री जो होती है वो नल एंड वॉइड नहीं होती है. ये बात भी आपको ध्यान रखनी है.
और यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर सेक्शन 10 में कोई ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया गया है, कोई भी चीज दी गई है, कोई भी ऑर्डर है, वो इंटरिम भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है, तो उस केस में आपके पास रेमेडी क्या है, ये क्वेश्चन है। बताइए यहां पे बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, दैट ओनली रिविजन लाइज एंड अपील डज नॉट लाइज, ओनली रिविजन लाइज अपील डज नॉट लाइज, इस बात को अपने हाथ में लिख लो, माथे पे लिख लो, जहां लिखना चाहो लिख लो, हमेशा ध्यान रखना सेक्शन 10 में अगर कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर दिया है तो उसके अगेंस्ट अपील नहीं होगी, उसके अगेंस्ट रिविजन होगा। क्या होगा? रिविजन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर ट्रांसफर ऑफ अ केस, ये मैंने अभी आपको समझा ही दिया है, टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग, कंफ्लिक्टिंग जजमेंट, ये सब मैंने आपको समझा दिया है, सारे ही है, वेयर द कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ पेंडिंग, बेकार क्वेश्चन है, ठीक है, ऑल द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका उसी पे है, ट्रांसफर पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक बार पढ़ लेना, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें दम नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, हाँ बताइए भैया, 103 सेक्शन 103 पढ़ा है कि नहीं बेयर एक्ट में, सेक्शन 103 देखें, लेज डाउन दैट इन एनी सेकेंड अपील द हाई कोर्ट में, अभी बेयर एक्ट मत खोल लेना, ऐसे ही बताओ, सेक्शन 103 लेज डाउन दैट इन एनी सेकेंड अपील द हाई कोर्ट मे इफ द एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड इज सफिशिएंट डिटरमाइन एनी इशू नेसेसरली फॉर द डिस्पोजल ऑफ अपील, बताइए, विच हैज नॉट बीन डिटरमाइंड बाय द लोअर अपीलेंट कोर्ट, विच हैज नॉट बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, दोनों ही के केस में हो सकता है, हमेशा याद रखना। एक बार 103 घर जाके पढ़ना, बार बार क्वेश्चन 103 से आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए 103 स्किप नहीं करना है। 103 बोलता है हाई कोर्ट किन किन चीजों पे कर सकता है, दोनों ही, विच हैज नॉट डिटरमाइंड बाय द लोअर कोर्ट, ऐसा कोई इशू जो लोअर कोर्ट ने नहीं डिसाइड किया है, लोअर अपीलेंट कोर्ट ने नहीं डिसाइड किया है, या फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट ने नहीं डिसाइड किया, दोनों पे ही लगता है, ठीक है, या फिर रॉन्गली डिटरमाइंड बाय कोर्ट फॉर द रीजन टू बी डिसाइडेड, देखो एक कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होगी, उसके बाद फिर अपीलेंट कोर्ट होगी, फिर हाई कोर्ट होगी, तो जब हाई कोर्ट अपनी पावर यूज कर रहा है सेकंड अपील की 103 में, तो वो सारे इश्यूज को चेंज कर सकता है, वो अगर आपने फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट ने कुछ गलती करी थी या अपीलेंट कोर्ट ने कुछ गलती करी थी, तो इन दोनों गलतियों को वो सही कर सकता है, दैट इज ओनली द क्वेश्चन, ठीक है। राइट टू लॉज अ कैवियट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 148A, नहीं बोथ, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी राइट टू लॉज कैवियट दिया हुआ है, इसका आंसर बोथ ए एंड बी होगा, इस क्वेश्चन को याद रखना, जल्दी में मेरी तरह डायरेक्ट सेक्शन 148A मत लगा देना, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी राइट टू लॉज कैवियट दिया हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, इतने ही क्वेश्चन थे, अपन ने खत्म कर लिए। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा बता देता हूं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन, वीडियो को लाइक करना, बाद में उसमें कमेंट भी करना कि कैसा लगा, और कल का क्या टारगेट है हमारा, कल का टारगेट सुन लो पहले, कल ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 10 तक पढ़ के आना है, ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 10 तक पढ़ के आना है अच्छे से, बेयर एक्ट पढ़ के आना है, बाकी जो एडिशनल चीजें हैं वो मैं समझाऊंगा आज की तरीके से, तो इसको पढ़ के आना। अनअकैडमी पे 20% का भारी डिस्काउंट चल रहा है, कोड आपने याद रखना है DPJ10, क्या बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी प्लस के और आइकॉनिक के वो मैं आपको बता देता हूं। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेल, इसको भी बेयर एक्ट की तरह आना चाहिए, जैसे ये क्लॉज 1 बना देते हैं, क्लॉज 1 का ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्लॉज 2 जो कि है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस, कुछ एडिशनल चीजें हैं जैसे डाउट सॉल्विंग, आंसर चेकिंग, ये सब आपको आइकॉनिक में मिलती है, ठीक है। स्पेशल क्लास आप जानते हो, ये एक प्रोवाइजो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रोवाइजो, क्यों, क्योंकि ये फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है, ये भी अनअकैडमी ऐप पे होता है लेकिन ये फ्री है, तो ये प्रोवाइजो हो जाएगा आपका, ये आपके दो क्लॉजेस हो गए। और बताइए क्या है, ये नंबर है, ये हमारे अमेंडमेंट का नंबर है जिसके थ्रू आप सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है, और बाकी हम तो हैं ही हैं। चलिए, तो आप सबको ये बातें समझ में आ गई हैं आई होप, फटाफट से चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल।
जल्दबाजी कर दी, थैंक यू सो मच, ओके, मोस्ट वेलकम एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, आपने इतना समय निकाला, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, कल 1 से 10 तक के करेंगे, इस तरीके से पूरा सीपीसी कंप्लीट करेंगे, कुछ पढ़ के आप आइए, कुछ हम समझाते हैं, 2 कदम आप चलिए, 2 कदम हम चलेंगे और रास्ता तय हो जाएगा, इससे आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, जो थोड़े से ऑड क्वेश्चंस आते हैं उनको आप सही कर पाओगे, ऐसी उम्मीद है मुझे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लिए मदद करे होंगे, और उनको जाके आप घर में एक बार दोबारा पढ़ना, पीडीएफ में भेज दूंगा, इसके अलावा कल रात को 9 बजे ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 10 तक अपन करते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज रियली नाइस हैविंग ऑल ऑफ